डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे बिहार सरकार में नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा अपना ये चुनाव हार गए हैं। जी हाँ, अभी अभी जो नतीजे हमारे सामने आए हैं उसके मुताबिक सुरेश शर्मा अपने प्रतिद्वंदी से काफी पीछे चल रहे हैं। कई हजार वोटों का फासला है। मुजफ्फरपुर में सुरेश शर्मा के सामने जो उनके प्रतिद्वंदी हैं वो हैं कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी। विजेंद्र चौधरी वही व्यक्ति हैं जिन्हें 2015 में सुरेश शर्मा ने हराया था। हालांकि तब विजेंद्र चौधरी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे लेकिन वो चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका है और वो इस बार चुनाव जीते हुए दिख रहे हैं। आपको हम बता दें कि सुरेश शर्मा बिहार सरकार में मंत्री हैं और नगर विकास एवं आवास मंत्री हैं। 2019 में जब पटना में जल जमाव हो गया था और उसकी वजह से बिहार की पूरे देश में फजीहत हुई थी, तो सुरेश शर्मा पर भी बहुत सारे आरोप लगे थे क्योंकि ये उनका मंत्रालय आता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि सुरेश शर्मा जो हैं बीजेपी के विधायक हैं और यहाँ से वो सबसे अमीर मंत्री भी हैं बिहार सरकार में और लगातार वो ये चुनाव जीतते आए हैं यहाँ से विधानसभा क्षेत्र से। भले ही सुरेश शर्मा ये चुनाव हारते हुए दिख रहे हों लेकिन एनडीए अभी भी बढ़त बनाए हुए है और आरजेडी महागठबंधन जो है वो पीछे चल रही है। लेकिन सुबह में ये जो मामला था वो काफ़ी बदला हुआ दिख रहा था। सुबह महागठबंधन लीड में थी और एनडीए पिछड़ी हुई दिख रही थी लेकिन अभी सब कुछ हालात बदल चुके हैं और एनडीए अभी भी बढ़त बनाए हुए है। हालांकि बिहार सरकार में मंत्री सुरेश शर्मा अपने विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं लेकिन एनडीए की सरकार बनेगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ।